तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो अपने चैनल में गिव अवे रखते हैं, जैसे कि ट्राइपॉड हो गया, जो भी गिव अवे रखना चाहते हैं वो अलग अलग गिव अवे रखते हैं अपने व्यूअर्स को एंड अपने सब्सक्राइबर को एक्टिव रखने के लिए, ताकि जो भी वीडियो उनके चैनल में वो डाले वो व्यूज ऑटोमेटिक आ जाए। तो फ्रेंड्स, वो जो गिव अवे रखते हैं, गिव अवे में विनर्स है, वो विनर्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या प्रोसेस है और किस बेसिस में वो विनर्स को सिलेक्ट किया जाता है, वो पूरा डिटेल्स में हम यहाँ पे बात करने वाले। फ्रेंड्स, अगर आपके चैनल है और आप सोच रहे हो कि गिव अवे रखना और गिव अवे रखने के लिए क्या प्रोसेस है, आपको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग गिव अवे रख सकते हैं। और आज मैं आप लोग का एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसको यूज करके आप गिव अवे रख सकते हो और आपके चैनल में कोई भी गिव अवे रन कर सकते हो और जो विनर्स है विनर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हो मीटॉक्स। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट में आपको लॉग इन कर लेना है, जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। सीधे सीधे इसमें क्लिक करके भी आप आ सकते हो या फिर आप सर्च कर सकते हो, glim.io लिख के आप सर्च कर सकते हो और इस वेबसाइट में आपको विजिट कर लेना। विजिट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ क्या क्या आप कर सकते हो इस वेबसाइट में। देखिए, रन ए कॉम्पिटिशन कर सकते हो, इंस्टेंट रिवॉर्ड पा सकते हो, सोशल गैलरीज है आपका, फिर ईमेल कैप्चर आप करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कहाँ कहाँ आप इंटीग्रेट कर सकते हो यहाँ भी आपको दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे अमेजोन पे आप जहाँ पे आप चाहो आप इसको रन करवा सकते हो, जैसे कि ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, आपका यूट्यूब का चैनल है तो यूट्यूब का चैनल के लिए आप गिव अवे आप कंपटीशन रख सकते हो, जिसके थ्रू आप विनर चूज कर सकते हो यूट्यूब में, ठीक है, या फिर आपका फेसबुक अकाउंट में भी आप कर सकते हो। तो वो कैसे हम लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके बारे में पूरा बात करने वाले, कैसे इंटीग्रेट करेंगे उसके बारे में हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले। तो अगर आपके पास अकाउंट है तो आप कहाँ यहाँ से अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे अगर अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप कर लेना है। तो साइन अप करने के लिए आपको साइन अप में क्लिक कर देंगे। साइन अप में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लॉगिन विद फेसबुक। अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप कंटिन्यू विद फेसबुक अकाउंट कर सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे ईमेल आईडी एंड नाम डाल के कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम डालता हूँ और ईमेल आईडी मेरा चैनल का डाल देता हूँ। तो मैंने अपना चैनल का नाम यहाँ पे डाल दिया, या फिर अपने नाम भी डाल सकते हो या फिर अपना बिजनेस नेम, आपका चैनल का नाम, जो भी आप देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हो। वो अगर आप बाद में चेंज करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड चूज करना है, जिसके पासवर्ड में आपको 6 कैरेक्टर होना चाहिए, लोअर केस लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, अपर केस लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एक डाल देता हूँ। तो सारा कुछ अपने यहाँ पे डाल देने के बाद अपना पासवर्ड जो होगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना साइट नेम एंड साइट यूआरएल आपको यहाँ पे देना जरूरी है। आपका साइट का नेम जो भी है वो आपको डाल देना है और आपका यूट्यूब है तो यूट्यूब का चैनल यहाँ चैनल का नाम यूआरएल डाल सकते हो या फिर आपका वेबसाइट है वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे फटाफट से मेरा चैनल का नाम एंड चैनल का यूआरएल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने अपना चैनल का नाम यहाँ पे डाल दिया एंड चैनल का यूआरएल एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपको आई एक्सेप्ट ग्लिम्स टर्म्स एंड कंडीशन में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ए मैसेज विथ ए कन्फर्मेशन लिंक हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज फॉलो द लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा, उस मेल को आपको वेरीफाई करवाना है। तो हम चलेंगे अपना मेल में और यहाँ पे मेल पे एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं हमें मेल यहाँ पे मिला। देखिए, कंफर्म योर ग्लिम ईमेल आपको इसमें क्लिक कर देना है। आपका जो भी ईमेल आएगा तो कुछ इस तरह का आपका मेल आएगा, आपको यहाँ पे अपना चैनल का नाम शो हो जाएगा और आपको यहाँ पे कन्फर्म माई अकाउंट में आपको क्लिक कर देना है। तो लिंक में क्लिक कर लेने के बाद ऑटोमेटिक आपका जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाइड हो जाएगा और आपको लॉगिन करवा दिया जाएगा आपका डैशबोर्ड में। और यहाँ पे लिखा हुआ है, योर ईमेल वाज सक्सेसफुली कन्फर्म, यू आर नाउ साइन इन, और आपका यहाँ पे डैशबोर्ड शो हो जाएगा। अगर आपका वेबसाइट दिया है तो वेबसाइट का लोगो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मेरा जैसे कि यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब का लिंक मैंने दिया था, यूट्यूब का लोगो यहाँ पे शो हो रहा है और मेरा चैनल का नाम यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे डैशबोर्ड आपको दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे साइड पे आपको अपना प्लान दिखाएगा, अगर आपका फ्री प्लान है तो फ्री प्लान यहाँ पे दिखाएगा या फिर आपने कोई भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिया है तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप इसका अगर प्रीमियम लेना चाहते हो तो प्रीमियम यहाँ से आप ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे अपना अकाउंट जो है हमने क्रिएट कर लिया। अभी हमें क्या करना है, अपना
जो गिवअवे है, गिवअवे कंपटीशन है, इसको हमको सेटअप करना है। तो इसको सेटअप करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा आपको टेम्पलेट दिया गया है जो ऑटोमेटेड टेम्पलेट है। आप यहाँ में से कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हो अपना कॉम्पिटिशन को रन करने के लिए। वो यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाता है, जैसे कि यूट्यूब का मिलता है, ट्विटर में करवाना चाहते हो तो ट्विटर का मिलता है, फेसबुक में कंपटीशन रन करवाना चाहते हो फेसबुक में मिल जाता है, इंस्टाग्राम में करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। तो जैसे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपना एक कंपटीशन रखने वाला हूँ, जैसे कि ग्लिम का गिव अवे रखने वाला हूँ, तो इसके लिए हम यहाँ पे सेटअप करेंगे हम लोग अपना यूट्यूब चैनल में, ठीक है। कंपटीशन को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी में क्लिक कर देना है, कॉपी विदाउट दिस फीचर्स आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो भी आपने कॉपी किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। और आपको कुछ चेंजेस अगर करना चाहते हो यहाँ पे, तो आप चेंजेस करने के लिए आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हो। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे शो हो रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन, इसे हम यहाँ से एडिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए नेम, मतलब अपना कंटेस्ट का क्या नेम रखना चाहते हो, क्या गिव अवे रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ट्राइपॉड गिव अवे, ट्राइपॉड गिव अवे मैंने लिख दिया। और कब शुरू होगा और कब एंड होगा आपका कंपटीशन, वो आपको टाइम सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे 29/10 मेरा टाइम शुरुआत डेट है, और यहाँ पे एंड डेट है 1 मंथ के बाद 28/11 को, ठीक है। तो 1 मंथ का मैं कंपटीशन रखने वाला हूँ। उसके बाद आपको टाइम जोन सिलेक्ट करना है, आपका टाइम जोन कौन सा है। आपको यहाँ पे से आप जो भी आप कंट्री से बिलोंग करते हो या फिर जो भी आपका टाइम जोन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मेरा टाइम जोन। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखना चाहते हो वो आप डाल सकते हो, या फिर ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। तो मेरा जो टर्म्स एंड कंडीशन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो मेरा कुछ ये टर्म्स एंड कंडीशन है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसमें अगर कुछ चेंजेस आप करना चाहते हो, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, आप यहाँ से कर सकते हो अपने हिसाब से। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, तो यहाँ पे आप अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड कर सकते हो अपना प्लान। तो अगर अपग्रेड करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स मिलेगा और अच्छा फीचर्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको ये सेटिंग्स कर लेने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप्स आता है यूज़र डिटेल्स। तो आपको यूज़र डिटेल्स में क्लिक कर देना है। यूज़र डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो मिनिमम एज अपना कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने के लिए कितना मिनिमम एज रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे मिनिमम एज रख देता हूँ 13 रखता हूँ, ठीक है, जो कि ऑप्शन है, ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं। मेरा कंपटीशन में कोई भी एज लिमिट नहीं रखूंगा, जो पार्टिसिपेट करना चाहेगा वो ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अलाउ यूजर टू लिंक ए फेसबुक पेज ऑप्शनल, जो है कि फेसबुक पेज ऑप्शनल है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। और अगर आपका फेसबुक का कोई भी लिंक है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना फेसबुक का लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने फेसबुक का URL यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ अलाउ लॉगिन इथ, आप क्या करना चाहते हो, ईमेल या फिर फेसबुक, गूगल, ट्विटर, या फिर यहाँ में से बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलता है, वो आप लगाना चाहते हो। मतलब अपना जो कंटेस्टेंट होगा वो कंटेस्टेंट किस वे से आपके कंपटीशन में लॉगिन करना चाहता है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि ईमेल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, गूगल के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, आप इसे यहाँ से इंस्टाग्राम में यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर इंस्टाग्राम का ऑप्शन है मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ, अगर आपका होगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम से लॉगिन होने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है ऐड ए कस्टम फील्ड, आपका फुल नेम, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको चाहिए होगा जो कि मैंडेटरी है, वो आपको यहाँ पे रख देना है, जैसा है वैसा रख देना है। इन ऑर्डर टू कॉन्टेक्ट यू वी नीड एन ईमेल, आपको क्या करना है यहाँ पे आपका मेल आईडी डाल देना है और आपका नाम यहाँ पे डाल देना है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं मेरा चैनल का नेम एंड आपको ईमेल आईडी, चैनल का ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आता है आपका थर्ड स्टेप, हाउ टू एंटर, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विजिट यूट्यूब चैनल, उसके बाद विजिट फेसबुक, उसके बाद आता है विजिट ट्विटर, रिट्वीट ए ट्वीट, विजिट ए प्रोफाइल, बोनस, जो भी है आप यहाँ से कितना पॉइंट्स देना चाहते हो और आपका कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या एक्शन लेना पड़ेगा एक विजिटर्स को या फिर एक कंपिटिटर को या फिर आपके जो कंटेस्टेंट है कंटेस्टेंट को, वो आपको यहाँ पे डाल देना। तो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ यूट्यूब चैनल का लिंक, उसके बाद आपका फेसबुक का पेज आपको यहाँ पे डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। मैं उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है फॉलो ऑन ट्विटर, मतलब के कंटेस्टेंट को ज्वाइन होने के लिए, आपके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए किस किस पेज को लाइक करना है और कौन सा वेबसाइट में आपको विजिट करवाना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया जाता है ऑटोमेटिक, जो कि कॉपी करके मैंने लाया यहाँ से। अगर आप
इसको यहाँ से हटाना चाहते हो, जैसे कि रीट्वीट या ट्वीट, इसको रिमूव करना चाहते हो, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। जो भी आप रिमूव करना चाहते हो वो यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 5 रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 मैंने रखा है। और लास्ट में रखा है एक बोनस। जो कौन कौन सा रखा है, मैंने एक रखा है यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करने के लिए, जो कि सब्सक्रिप्शन चाहिए, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल। उसके बाद फेसबुक पेज में विजिट होना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद ट्विटर में आपको फॉलो करना है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इंस्टाग्राम में आपको फॉलो करना है, और बोनस पॉइंट यहाँ पे आप जो भी रखना चाहते हो, जो आप अपने हिसाब से रखना चाहते हो वो रख सकते हो। या फिर आप कंपटीटर्स को और भी ऑप्शन देना चाहते हो, बोनस पॉइंट देना चाहते हो, आप यहाँ से लगा सकते हो। ट्विच का अकाउंट लगा सकते हो, लिंक्डइन का अकाउंट यहाँ पे लगा सकते हो लाइक करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको यह सेटिंग्स यहाँ तक कर लेना है। तो यहाँ पे एक एक करके आपको लिंक डालना होगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं चैनल URL। तो यहाँ पे मैं अपना चैनल का URL डाल देता हूँ। तो मैंने अपना YouTube चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया। लिंक डालने के बाद आपको वर्थ कितना देना है, मतलब अगर आप वो कंटेस्टेंट अगर सब्सक्राइब करता है तो उनको कितना पॉइंट देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 15 पॉइंट, अगर मेरा सब्सक्राइब कर लेगा मेरा चैनल को 15 पॉइंट देने वाला हो, और ये मैंडेटरी रखता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ना चाहते हो वो भी आप छोड़ सकते हो। उसके बाद हम रखेंगे यहाँ पे फेसबुक। फेसबुक का पेज का लिंक आपको यहाँ पे डाल देना है। फेसबुक की लिंक डालने के बाद आपको यहाँ पे कौन सा कितना पॉइंट देना चाहते हो वो भी आप इसको डाल देना है। उसके बाद इसको मैंडेटरी करना है तो कर सकते हो, मैंडेटरी कंप्लीट एंट्री हो जाएगा यहाँ पे। लाइक द पेज या फिर कंप्लीट एंट्री, ठीक है, तो वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। लाइक द पेज मतलब आपका जो भी पेज का लिंक दिया होंगे उस पेज में आपको लाइक करना है, और कंप्लीट एंट्री मतलब आपके अकाउंट में वो फॉलो करना होगा, तब आपका कंप्लीट एंट्री होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ट्विटर, ट्विटर में आप जो भी लिंक देना चाहते हो, यूजर नेम आपका जो होगा वो आपको यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरा यूजर लिंक, इसका भी एंट्री में 15 पॉइंट रखता हूँ और इसको मैंडेटरी कर देता हूँ। फिर आता है आपका इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको यहाँ पे डाल देना है और इसको एंट्री कर देना है, कितना एंट्री दे पॉइंट देना चाहते हो। यहाँ पे भी मैं 15 पॉइंट रखता हूँ और इसको करता हूँ मैंडेटरी। उसके बाद आपका बोनस पॉइंट, बोनस पॉइंट आप कितना देना चाहते हो। गेट 10 बोनस एंट्रीज फॉर कंपिटिटर्स इन एवरी एक्शन। अगर आपके एक्शन, जो भी एक्शन वो लेते हैं, अगर फेसबुक में खाली लॉगिन करते हैं तो आपको वहां से 15 पॉइंट मिलेंगे एंड आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग बोनस पॉइंट भी यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि मैंडेटरी है, या फिर डेली एंट्री भी आप दे सकते हो। एक्शन रिक्वायर्ड 5 एक्शन, ठीक है। तो हम इसको 10 पॉइंट्स रखते हैं। अगर आप कंपिटिटर्स या फिर जो भी कंटेस्टेंट मेरा इस पे लॉगिन करेंगे, लाइक करेंगे पेज, तो उनको एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स मिलेगा। तो ये हमारा सारा कुछ सेटिंग्स यहाँ पे हो चुका है। सारा कुछ सेटिंग होने के बाद यहाँ पे आप फोर्थ पॉइंट आता है प्राइस का। आप प्राइस क्या रखना चाहते हो, अनलिमिटेड यूट्यूबर गिवअवे या फिर कितना विनर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा 2 विनर्स, और यहाँ पे अल्टीमेटेड गिव, इसमें आपको यूट्यूब गिवअवे या फिर अपना जो भी आप नाम रखना चाहते हो, देखिए ट्राइपॉड यूट्यूबर गिवअवे मैं रखूँगा। और यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया। यहाँ पे जो भी आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। उसके बाद आपका लास्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, पोस्ट एंट्री, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद आपका सेव, तो सेव में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपटीशन वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड इंस्टॉलिंग ट्राइपॉड गिवअवे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेट करने के लिए इस लिंक को अगर आपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना चाहते हो तो यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और आपके वेबसाइट के पेज में HTML जहाँ पे आप सेटिंग्स करते हो वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देना, तो आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। और जैसे कि हमने यूट्यूब पे, तो ऑटोमेटिक इंटीग्रेट हो जाएगा जब आपका वो ईमेल आईडी का लिंक, आप अपना यूट्यूब का लिंक डालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव बटन आ रहा है, आपको सेव में क्लिक कर देना है। सेव में क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो कैंपिंग वाज सक्सेसफुली अपडेटेड। अभी क्या करना है, आपको जो लिंक है वो लिंक को आपको सिर्फ शेयर करना है अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, और आपका जो भी कंपिटिटर से या फिर जो भी कंस्टेंटेंट है वो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं कंपटीशन में। आपका जो भी गिव अवे रखा है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लिंक कहाँ से आप शेयर करेंगे, तो लिंक यहाँ से आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ इसमें क्लिक कर देना है, होस्टेड लोडिंग पेज, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना जो गिव अवे है, अपने जो गिव अवे सेटिंग्स क्या है
आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, आपका पेज दिखे कुछ इस तरह का शो होगा। और ये जो लिंक है, इस लिंक को क्या करना है, आपका डिस्क्रिप्शन में डाल देना है, फेसबुक के वीडियो के ऊपर या फिर अपने फेसबुक में जो जहाँ पे आप डालना चाहते हो इस लिंक को डालना है। और अपने यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आप इसको लिंक को डाल सकते हो। लिंक को डालेंगे और यहाँ पे जो भी इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जो भी आपका एंट्री लेना चाहते हैं अपने कंपटीशन में, यहाँ से 5 वेटो एंट्री है। आप यहाँ से आपको अपना जो भी कंटेस्टेंट है आपको फेसबुक, गूगल एंड ट्विटर अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद ये जो पेजेस है जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारा पेज को वो लाइक, सब्सक्राइब जो भी करना चाहते हैं वो करेंगे और उनको 15 पॉइंट करके मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी अपना गिव अवे अगर हम सेटिंग्स करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं, इसी तरह से हम लोग गिव अवे रख सकते हैं अपना चैनल में ताकि कुछ अट्रैक्टिव हो जाए। तो इस तरह से हम लोग सेटिंग्स कर सकते हैं, सेटअप करके अपना गिव अवे हम रख सकते हैं अपना व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। सेटिंग्स कर लेने के बाद, कुछ सारा कुछ सेटअप कर लेने के बाद, इंटीग्रेशन कर लेने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कंपटीशन। 30 डेज के बाद आपका कंपटीशन कंप्लीट हो जाने के बाद, गिव अवे का टाइम 30 डेज लेफ्ट हो जाने के बाद, जो कि आपने 30 डेज के लिए रखा होगा या फिर 2 डेज के लिए, 3 डेज के लिए, जितने डेज के लिए आपने रखा होगा, उसके बाद आपका जो भी कंपटीशन होगा, कंपटीशन का आपका विनर्स सिलेक्ट करना है। विनर्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको विनर में क्लिक कर देना है, अपना डैशबोर्ड में आ जाना है, कंपटीशन में विनर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉ विनर में आपका क्लिक करेंगे तो जो भी एंट्रीज हुआ है उस एंट्रीज में आपको यहाँ पे ड्रॉ में क्लिक कर देंगे, जो भी एंट्रीज हुए है उसी एंट्री से यहाँ पे आपको विनर्स दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे नॉट एनफ एंट्रीज अवेलेबल, मतलब मेरा जो कंपटीशन है कंपटीशन में कोई भी एंट्रीज नहीं लिया है। सो फ्रेंड्स, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर है इसी प्रोसेस से, ज्यादातर ये जो ग्लिम एप्स है, ग्लिम्स वेबसाइट है, इसको यूज करके हर यूट्यूबर्स अपना जो कंटेस्ट है, गिव अवे कंटेस्ट वो रखते हैं और इसी को यूज करके जो विनर्स है विनर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी गिव अवे रखने का मन है और अपने सब्सक्राइबर को, यूट्यूबर्स को इंटरेक्ट करने का मन है तो आप इस वेबसाइट को यूज करके जो मैंने प्रोसेस आपको दिखाया इसी प्रोसेस से आप अपने लिए गिव अवे रख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आया। फिर भी आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है ना डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।